हेलो एवरीवन वेलकम टू जैनित करो तो आज का वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या हमारा फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक क्या फ्रांस एबोलि मुनारके बिकम रिपब्लिक तो इसमें हम क्या देखेंगे जो लुई सिक्सटी है वो किस तरीके से उसको मुनारक को हटा दिया गया था उसके बाद में रिपब्लिक बना दिया गया था रिपब्लिक मीन्स क्या होता है जो हेड ऑफ़ द नेशन होती है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड बाई द पीपल होती है ठीक है अब देखो जो लुई सिक्सटीन ने क्या किया था साइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन फिर उसको पता चला कि भाई उसकी उसकी जो तो पावर है वो लूज़ हो रही है कितनी तो लूज़ हो चुकी है उसके बाद तो कोई पावर ही नहीं बची तो उसने सीक्रेट नेगोशिएशन किया था किसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज के जो किंग थे और किसके साथ प्रशिया के किंग के साथ अब जो रूलर्स से हुआ था नेबरिंग कन्ट्रीज़ के वो भी वरीड थे क्यों क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही थी फ्रांस में उस उनको लग रहा था कि यही डेवलपमेंट अगर हमारे लोग भी करने लगे तो जो हमारी पावर है वो भी हमसे छिन जाएगी तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने ट्रुप्स भेजने की तैयारी करना शुरू किया था जो कि इवेंट चल रहा था उस टाइम पर सेवेंटीन से जो इवेंट्स चल रहे थे समर में वहीं से फिर उसके बाद में उन्होंने देख के उन्हें ट्रुप्स वगैरह भेजने की भेजने के लिए ये सोचा था फिर उसके बाद में क्या हुआ ये होने से पहले क्या हुआ नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया सेवेंटी के अंदर कि हम डिक्लेयर करेंगे वॉर को प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में फिर क्या हुआ जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे वो सारे जॉइन आर्मी को जॉइन किया था और उन्होंने इस वॉर को क्या देखा था ये वॉर जो है लोगों और जो एरस्टोक्रोसी एरस्टोक्रेसीज और जो किंग है उनके बीच है यानी ये जो वॉर है लोग, कि लोग के लोग किसके अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं ये किंग के अगेंस्ट में और एस्टोक्रेसीज के तो जो ये और उसके साथ में क्या पेट्रियटिक सॉन्ग वगैरह भी गाए जा रहे थे जैसे कि मेसेलिस जो सॉन्ग है वो कहाँ से गाया अब मेरसिल्स सॉन्ग जो है वो कहाँ से आया अब जो ये मार्सिल्स सॉन्ग है ये एक ग्रुप ऑफ द पीपल था जो कि मार्सिल्स से बिलोंग करते थे वो लोग वहाँ से मेसिल्स से गाते हुए आ रहे थे और पेरिस तक गा रहे थे तो वहीं से जो ये नेम है ये मेरसिल्स का सॉन्ग का नाम पड़ गया था और लेटर ऑन ये क्या बन गया ये नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का So, although Louis XVI has signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and MAD plan to send troops to put down the events had been taking place here the summer of the 1789. Before this could happen, National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of uh, volunteers thrown uh, was, uh, thronged from the provinces to join the army. They saw this is a war of the people against the kings and the aristocracies. Among the patriotic song, they saw the uh, song called the Marcellus. Marcellus later on, the national anthem of France. Ban दैन देखो हम क्या पढ़ते हैं कि इससे जो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशनी वॉर वगैरह तो इससे क्या हुआ लॉसेस वगैरह भी हुए थे बहुत इकोनॉमिक डिफिकल्टीज अब देखो वॉर होगा तो आपके स्पेंड होंगे आपने आर्म खरीदे वेपन्स वगैरह ठीक है बहुत सारा लॉस भी होता है हर चीज़ का लॉस होता है आपको आर्मी को फाइनेंस देना होता है तो लॉस वगैरह तो होता है अब देखो इससे क्या हुआ लॉस वगैरह बहुत डिफ़िकल्टीज वगैरह भी बहुत आई थी ठीक है अब जब वो मैन वगैरह जो वहाँ पर काम वहाँ पर वॉर में थे तो जो वीमेन थी पीछे से वो घर को संभाल ली थी छोटे मोटे काम भी करी थी ठीक है अब जो इसके साथ में लास्ट सेक्शन जो पॉपुलेशन ने सोचा कि उन्होंने क्या किया था रेवोल्यूशन को और कैर करने का सोचा क्यों क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था सेन का उसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट किसको दिए गए थे रीचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और सिर्फ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ मैन को दिए गए थे तो इसलिए रेवोल्यूशन को आगे और फर्दर करना शुरू करना शुरू किया उन्होंने अब देखो इसे इंपैक्ट क्या हुआ इसे इंपैक्ट ये पड़ा कि पॉलिटिकल क्लब बहुत बने ठीक है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल क्लब था वो कौन सा था जैकोबिन क्लब था ठीक है कौन सा था जैकोबिन क्लब था जिसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट ठीक है अब जो वमेन उनके ख़ुद के भी एक जैकोबिन जैकोबिन बोल इनके भी खुद के कुछ क्लब्स वगैरह थे जिसमें वो भी अपने राइट्स वगैरह रखती है बोलती है कि हमें भी ये राइट्स वगैरह चाहिए तो वीमेन के भी खुद के एक, एक क्लब्स वगैरह थे अब देखो हम पढ़ते जैकोबिन क्लब के बारे में कि जैकोबिन क्लब क्या था अब जो मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब थे वो कौन से थे लेस प्रॉस्पर पीपल थे यानी जिनके पास जो जो प्रॉस्पेरस नहीं थे बहुत कम प्रॉस्पेरस थे वो सारे जो लोग थे वो किस में थे जैकोबिन क्लब में थे अब उसको इंक्लूड करते स्मॉल शॉपकीपर्स मेकर्स ठीक है वो पेस्ट्री कुक्स वगैरह वॉच मेकर्स ये सारे किस में आते हैं ये सारे आते हैं जैकोबिन क्लब में और जो इनके लीडर थे वो कौन थे वो थे मैक्मिलियन रॉबर्स ठीक है अब जो ये लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ़ल जैकोबिन क्लब का इन्होंने डिसाइड किया था वर्निंग ए लॉन्ग स्ट्रिप एड ट्राउजर सिमिलर टू तो दो वॉन बाय द डॉक वर्कर्स ठीक है अब इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे इस तरीके से ये जो आपको स्ट्रिप्ट वाली पेंट दिख रही है हम ऐसे कपड़े पहनेंगे ठीक है ताकि क्या हो ये जो है इससे हम अलग हमारा एक अलग फैशनेबल दिखाई दे जिससे हम क्या हो अलग हो किससे जो नोवल्स लोग पहनते हैं जो नी ब्रिचेज तक पहनते हैं जो नी तक जो शूज़ वगैरह होते हैं जो यहाँ यहाँ तक शूज़ वगैरह थे वो नहा पहन के इन्होंने अपने एक ड्रेस कोड बना लिया तो ये इनका था ड्रेस और उसके साथ क्या था, था? रेड कैप पहनते थे अब रेड कैप किसको डिनोट करती है लिबर्टी को डिनोट करती है यानी फ्रीडम को डिनोट करती है लेकिन विमेन नहीं पहन सकती क्यों क्योंकि वेमेन लिबर्टी नहीं थी वेमेन के पास फ्रीडम नहीं था पहले से ही अब देखो लार्ज ग्रुप हम लोग जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट स्टार्टिंग लॉन्ग एंड ट्राउजर सिमिलर टू डोज वॉन बाय द डॉक वर्कर्स दिज जैकोबिन क्लब केम टू बी नॉन ए दैन क्लूटोस अब यही जैकोबिन क्लब बाद में जाके क्या किस नाम से जाना जाता है सैन क्लूटोस से सैन क्लूटो का मीनिंग क्या होता है दोज विदाउट नी ब्रिचेस जिनके नी ब्रिचेस नहीं जो नीज तक जो शूज वगैरह पहनते हैं वो लोग यहाँ यहाँ तक वैसे वो नहीं पहनते हैं तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं सैन क्लूटोस बोलते हैं सैन क्लूटोस मैन वॉर इन एडिशन टू रेड केप डैट सिमिलर

who were angered by the short supplies and high prices of food. ठीक है अब ये क्या जो शॉर्ट सप्लाई हो रहा था हाई प्राइस यानी बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा था इसके वजह से जो है जैकोविन क्लब की जो के जो मेबर थे उन्होंने प्लान किया था इंस्ट्रक्शन किसके अगेंस्ट में मोनार्की के अगेंस्ट यानी किंग के अगेंस्ट में क्यों क्योंकि अब जो भी चीज़ होंगी तो हम किसको बोलेंगे किंग को अब जैसे हमारी अभी हमारे पास इंडिया में क्या गवर्नमेंट है अगर कोई चीज़ें प्राइस राइज होगा या कोई भी चीज़ें डिफिकल्ट हम किसको बोलेंगे ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करी इस गवर्नमेंट को इस तरीके से स्कीम लानी चाहिए ये गवर्नमेंट हमारा काम ही नहीं करी सरकार ऐसे अच्छे से काम नहीं करी तो हम क्या बोलते सारा प्लेय किस भी डाल देते सरकार भी डाल देते हैं राइट तो यहीं पर भी

फिर बाद में असेंबली में वोट किया गया कि जो किंग है उसको इम्प्रीजेंट किया जाए उनको क्या इल्ज़ाम लगाया गया ट्रीज़न अब ट्रीजन का मीन्स क्या हो का होता है ट्रीजन का मीन्स होता है एंटी नेशनल जब उसको हम उसको क्या कह देते हैं घोष हम उसको क्या घोषित कर देते हैं एंटी नेशनल कि ये क्या है ये हमारे नेशनल जो नेशन है ने उसके खिलाफ था इसे उसने क्या किया था सीग्रेट नैगोशिएशन किया था तो इसलिए उसको क्या बन दिया देशद्रोही बोल दिया गया उसको ठीक है लेटर द फैमिली वोटेड टू इम्प्रीज़न द रॉयल फैमिली पूरी रॉयल फैमिली उसकी उसकी जो वाइफ है उसके जो बच्चे हैं बच्चे जो भी जो, जो लोग हैं सारों क्या कर दिया इम्प्रीजन कर दिया रॉयल फैमिली को और फिर बाद में क्या हुआ उसके बाद में जितने भी मैन थे ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड के ठीक है ट्वेंटी वन ईयर्स के उन सबको क्या मिल गया वोटिंग राइट मिल गया और अब अब ऑफ वेल्थ यानी आप कोई भी आपको आपके पास जो कि वेल्थ का वेल्थ है या नहीं है प्रॉपर्टी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है आप 21 वन ईयर्स के होने चाहिए लेकिन मैन होने चाहिए आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा तो वोटिंग राइट्स तरीके से मिल गया था उनको अब देखो बताओ पहले जो वोटिंग राइट था वो क्या था जो ट्वेंटी फाइव के होते और प्लस क्या होने चाहिए वो वो टैक्स पे होने चाहिए कितने दिन का जो तीन दिन में जो एक लेबर कमाता है अपना तीन दिन की जो लेबर की वेज होती है यानी जो वेज होती है लेबर की उतना ही उसको एक दिन में टैक्स पे करना पड़ेगा तो वही क्या दे सकता है वोट दे सकता था अब देखो अब जब न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी है जो 21 इयर्स की एज कर दी गई थी तो अब जब न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली बनी थी उसका क्या नाम बन गया कन्वेंशन बोल दिया क्या बन गया कन्वेंशन अब 21 सितंबर यानी 21 सितंबर सेप्टेम्बर को सेवनटीन नाइन्टी टू में मोनार्की को एब्लिश कर दिया गया था ठीक है क्या बन क्या कर दिया गया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उसको ट्रीज़न बोल दिया गया था वो उस टाइम पर बोला गया था लेकिन उसको ट्रीज़न तो बाद में बोला गया था लेकिन इसको पहले क्या कर दिया था आ, उसको इम्प्रीजन कर दिया था उस हॉस्टेज कर लिया था उसको अपने आ, सारी रॉयल फैमिली उसको इम्प्रीजन कर दिया गया था फिर बाद में 21 सितंबर को 1792 में एग्जीक्यूट कर दिया लुई सिक्सटी को क्या क्या, क्या के ट्रीजन कह के यानी चार्ज क्या लगाया ट्रीजन का चार्ज लगाया यानी कब लगाया ट्वेंटी वन सेप्टेबर को लुई सिक्सटी वॉज सेंटेंस टू डेट बाई द कोर्ट टू द चार्ज ऑफ ट्रीजन और ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी सेवनटीन नाइन्टी थ्री में ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिक पब्लिकली जो ये फिर सेवनटीन नाइन्टी थ्री में क्या पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था कहाँ पे प्लेस दानकॉड तो ये एक जगह का नाम है वहाँ द क्वीन मैरी एंटोनेट वेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर ऑफ मैरी एंटोनेट के साथ भी वही होता है बाद में जाके तो ये था हमारा जो कि हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच फ्रांस था वो किस तरीके से मोनार्की को एबोलिश करता है और बाद में जाके रिपब्लिक बन जाता है तो ये था हमारा आज का टॉपिक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग